आज परम पूज्य वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक जो मरण हुआ है वो जैन समाज के लिए बड़ा क्षति का विषय है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष का मिलना हमारे अपने जैन समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय था। उन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और लौकिक क्षेत्र के जो कार्य किए हैं, उनकी प्रेरणा से जो कार्य हुए हैं, वह युगों युगों तक याद किए जाएंगे। उन्होंने युवा बच्चों को अध्यात्म के क्षेत्र से जोड़कर उन्हें दिगंबर साधु बनाया। उनके अंदर धर्म के प्रति जो आस्था और श्रद्धा जगाई है वो आज हमें देखने को मिल रही है। उन साधुओं को देख करके हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कार और संस्कृतित होगी। उन्होंने लड़कियों के लिए जो एक प्रतिभा स्त्री की स्थापना की है, उसके माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं और संस्कार और संस्कृति की ओर आगे बढ़ेगी। और जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है कि वो कुसंस्कारों से बच करके समाज में एक नई चेतना जागृत करने का कार्य करेगी, उनके माध्यम से हाथ करघा की जो स्थापना की गई है वह भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। जेल के अंदर कैदी लोग भी उस हाथ करघा से जुड़े और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जिन्होंने सजा काट करके वापस बाहर आए हैं वह भी एक सम्मान की जिंदगी जी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आचार्य श्री के ऐसे अनेक कार्य हैं जिनमें गौशाला है जो अहिंसा का प्रतीक है। उन्होंने गायों के ऊपर गौशाला बनाई और इससे उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया है। ऐसे अनेक कार्य जो आचार्य श्री ने इस युग में किए हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय रहेंगे। आज उन्हें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि आचार्य श्री ने जिन अभियानों को चलाया है वो अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहें, और जो उनका स्वप्न था उन सब स्वप्नों को हम पूरी समाज मिलकर के, साधु वंद मिलकर के, त्यागी वंद, विद्वत वर्ग मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम नमः।